अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही क्विक एंड टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है कैबेज पोटैटो सब्जी। इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो बच्चे भी बहुत शौक से इस सब्जी को खाएंगे। तो चलो फटाफट हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैबेज और पोटैटो को कट करेंगे। कैबेज को मैंने अच्छे से चॉप किया है। पोटैटोस को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स स्टाइल में कट किया है। उसी के साथ दो मीडियम साइज के ऑनियन लगेंगे, उसे भी मैंने चॉप किया है। तो चलो आगे के प्रोसेस की ओर चलते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें राई ले रही हूँ, सरसों के दाने। 1 चम्मच जीरा ले रही हूँ। 5-6 कड़ी पत्ते और 3-4 ग्रीन चिली को मैंने चॉप किया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसी के साथ हम 2 चुटकी इसमें हींग पाउडर ऐड करेंगे, इससे हमारे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पोटैटो क्यूब भी ऐड करेंगे। हाफ स्पून मैं इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। कर रही हूँ। पोटैटोस में भी हमने नमक ऐड किया था, वो हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। 5 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे और फिर आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच में कोरिएंडर पाउडर ले रही हूँ, उसी के साथ 1/2 चम्मच गरम मसाला लगेगा। चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर मैंने 1-1 चम्मच लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इन सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन चार मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। वाव, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर हमें इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अब ये कैबेज पोटैटो सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। अब इस तरीके से कैबेज पोटैटो सब्जी बनाइए। चावल की रोटी, गेहूं की रोटी या राइस के साथ इसे सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही खिली खिली सब्जी बन गई है ये, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक बार इस सब्जी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ गाइस, ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप भी ये रेसिपी बनाइए और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए मसालेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।